नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हालात सही नहीं है और इन्हीं हालातों का परिणाम है कि CAA और NRC जैसे मुद्दों को लेकर के राजनैतिक पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी राजनैतिक रोटियों का सेका जाना। इसी का परिणाम है कि पिछले दिनों देश भर में ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन हुए, हिंसाएं हुई, कई लोगों की जाने गई, कई पुलिस वालों को मारा गया और साथ ही साथ कई सामाजिक सांस्कृतिक विरासतों को तोड़ने का प्रयास भी उपद्रवियों के द्वारा किया गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में मुंबई पुलिस के द्वारा एक आदमी की गाड़ी से भगवा झंडा निकालने का प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस वाहन मालिक के द्वारा वीडियो बना करके यह गुहार लगाई जा रही है कि क्या मुंबई पाकिस्तान में है जहां पर भगवा झंडा लगा करके अपनी गाड़ियों से नहीं चला जा सकता। आपको बता दें कि मामला दरअसल गाड़ी में भगवा झंडा लगाने के विवाद को लेकर के है। जब मुंबई पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा भगवा झंडा निकालने की बात की गई तो इस पर वाहन मालिक भड़क उठा और उसने कहा कि क्या मुंबई की पुलिस, क्या मुंबई शहर पाकिस्तान में है जिसकी वजह से वहां पर भगवा झंडा लगा करके गाड़ियों में नहीं चला जा सकता। और इसी चीज को लेकर के विवाद बढ़ता रहा और लगातार वाहन मालिक के द्वारा वीडियो बनाया जाता रहा। क्या है पूरा मामला जानने के लिए आइए देखते हैं, वायरल हो रहा है ये वीडियो, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या कहना है कि झंडा निकालना है, भगवा झंडा निकालना है, उसके बगैर मुंबई में गाड़ी नहीं जा सकती? नहीं ऐसा, खाली तुम्हारा ऊपर का फ्लैग यही करो। हाँ तो क्यों भगवा झंडा मुंबई में नहीं चल सकता? आदेश है आपको? नहीं नहीं, आपका क्या कहना है कि भगवा झंडे में गाड़ी नहीं जा सकती? नहीं है। तो कैसे है बताइए, क्यों झंडा उतारने के लिए बोल रहे हैं आप? मुंबई पाकिस्तान में है क्या? नहीं, मुंबई पाकिस्तान में है क्या? नहीं, मुंबई में भगवा झंडा उतारेंगे? नहीं नहीं, मुंबई में भगवा झंडा उतारेंगे क्या? अरे मुंबई भी पाकिस्तान बन गई क्या? इतना मुसलमानों से डरे, भगवा झंडा गाड़ी पे नहीं जा सकता पुलिस सिक्योरिटी में? इतना किससे खौफ है? इतना डर गए मुसलमानों से भगवा झंडा नहीं लगा सकते पुलिस सिक्योरिटी में? ये वर्दी किस काम की है अगर भगवा झंडे को सिक्योरिटी नहीं है तो? खोलो ये, ये देखिए मित्रों, इस वक्त मुंबई पुलिस ने भगवा झंडा उतारने के लिए गाड़ी रोकी हुई है। यहाँ ये वर्दीधारी इतने लोग होते हुए अगर भगवा झंडा मुंबई में नहीं जा सकता, मुझे भारत सरकार की सिक्योरिटी होते हुए अगर ये लेके नहीं जा सकते तो ये मुंबई पुलिस क्या काम किए? देखिए ये मुंबई पुलिस, देखिए मित्रों आपकी मुंबई की क्या हालत है, भगवा झंडा लेके जा नहीं सकते। हाँ ये मुंबई पुलिस, देखिए भगवा झंडा लेके नहीं जा सकते। ले लो आगे, लो आगे, लो आगे, लो। हाँ जब सुनता होगी तो पता चलेगा, सुनता होगी ना तो पता चलेगा। वही दिन आएंगे मतदान की नहीं दिखाओगे। हाँ ये देखिए मित्रों, मुंबई पुलिस में भी ये स्थिति, ये भी मुंबई पुलिस में, मुंबई पुलिस भी डर गई है और मुंबई पुलिस भी कहती है कि अब आजाद मैदान में वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो भगवा झंडा नहीं लेके जा सकते। ये स्थिति है, अगर मुंबई में भी यही है तो क्या फर्क है फिर हैदराबाद पुलिस में, और क्या फर्क है आखिर दूसरी जगह के पुलिस में? मुंबई पुलिस भी अगर ये कहेगी, क्या ये यही मुंबई है जिस मुंबई में कभी बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए गरजते थे? अगर भगवा झंडा लेके नहीं जा सकती पुलिस तो आखिर यह मुंबई हिंदुस्तान में है ऐसा कहने का अधिकार किसको है? हमको कहा गया कि आप बाकी गाड़ियां छोड़िए और केवल आपके चार गाड़ियां जाएगी, तो हमने कोऑपरेट किया। अब यहाँ आने के बाद पुलिस कह रही भगवा झंडा उतारो। देखिए इतनी पुलिस अगर एक भगवा झंडा गाड़ी को लेके नहीं जा सकती तो मुंबई पुलिस है या पाकिस्तान की पुलिस है, खुद बताइए बताइए मित्रों। अगर इतनी पुलिस मिलके एक भगवाधारी गाड़ी को आजाद मैदान नहीं लेके जा सकती तो ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान? देखिए मित्रों, जो आप आने वाले नागरिक है आप इस देश के,
देखिए क्या स्थिति है, ये मुंबई पुलिस का नजरिया है, ठीक है ना। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को धमका रहे जो यहाँ पर एकत्र हो रहे, लेकिन ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आप सुदर्शन पर देख सकते हैं। आप देखिए एक भगवाधारी गाड़ी भी जा नहीं सकती। हमने पूरा कोऑपरेट किया मुंबई पुलिस को, जब हमको कहा कि आप 100 गाड़ियां मत लेके जाइए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कम गाड़ी में जाने को तैयार हैं। लेकिन जब अब एक गाड़ी भी हमको अकेले में लेकर आकर आप ये अगर कह रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं जा सकती, देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है मुंबई की। मित्रों देखिए भगवा झंडा लेकर नहीं जा सकते, ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या स्थिति है, किसका डर है, आखिर किसका डर है। देखिए हमारी सारी गाड़ियां छोड़ के हमने कॉपरेट करने के लिए इनको यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कोइम्बतूर पुलिस ने कहा था, तब हमने कहा कि देखिए कोइम्बतूर पुलिस क्या करती है, और अब ये मुंबई पुलिस कह रही है। देखिए मित्रों मैं पहले से कह रहा हूँ कि मुंबई भी अभी हमारे हाथ से जा रही है। अब मुंबई में भी वही हालात आ रहे हैं जो हालात हैदराबाद में है, अब मुंबई में भी वही हालात हो रहे हैं जो हालात अब दूसरे मुस्लिम बहुल जगह पर है, और इसलिए अब देखिए ये गाड़ियों को रोका गया है। आप देखिए मुंबई बाला साहब ठाकरे की कहे जाने वाली मुंबई, मराठी आदमियों की कहे जाने वाली मुंबई, अब मुंबई में डर लग रहा है भगवा झंडा लेकर जाने से, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब देखिए इतने पुलिस मिलके एक भगवाधारी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते, तो आप सोचिए कि कितना खौफ है, क्या होगा आखिर। आखिर इनके वरिष्ठों में हमको जो वचन देकर कहा था कि प्रेस क्लब लेके जाएंगे, आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, मुंबई पुलिस को इसका जवाब दे। मैं फेसबुक लाइव पर आपके साथ यहाँ अकेले हूँ मित्रों, मैंने मुंबई पुलिस पर भरोसा करके केवल मेरे को यहाँ पर लेके आया था, और अब देखिए ये मुंबई पुलिस का रवैया क्या है, ये उनका नजरिया क्या है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये देखिए ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, यहाँ पर ये भगवा झंडा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आजाद मैदान पर आज मुसलमानों की बड़ी रैली है, तो मुसलमानों की बड़ी रैली है तो वहां पर एक गाड़ी भी जो सुरक्षा में तय हुआ था वो भी नहीं लेके जा सकते। सोचिए क्या हालात है, और यह हालात उस मुंबई में है जो कभी बाला साहब ठाकरे की मुंबई कहा जाता था, कभी ये कहा जाता था कि ये शिवाजी महाराज की मुंबई है। अभी गाड़ी में हिलाना रे, ठीक है ना। और पाटिल लिखा है आपने अपने सीने पे, हाँ शिवाजी महाराज के आप महाराष्ट्र में हैं, और एक भगवा झंडे की सुरक्षा नहीं कर सकते, हाँ। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।